हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका थैंक यू। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक्स दिए, आपने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले नए कुछ ट्रिकी आइडियोलॉजी और ट्रिकी क्वेश्चंस और ट्रिकी वीडियोस लगातार मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की थी कि अगला कुछ और अच्छा एक वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, तो ज़रूर आपके सामने हम हाजिर हैं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर, जो कि बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। ज़्यादातर मैं जब कक्षाएं लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर स्केलेटन सिस्टम याद नहीं होता, हड्डियाँ बहुत टिपिकल हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हड्डियों का ही एक कुछ वीडियो इस बार बनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए अपना चैनल ट्रिक बायोलॉजी गुरु, आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं आपके सामने डॉक्टर पंकज कुमार जोशी फिर से एक नया कुछ अनूठा कुछ अलग आपके लिए सिस्टम लेकर आया। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इजी ट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो बच्चों देखिएगा, स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो स्केलेटन में आपको पता है कि टोटली 206 हड्डियाँ होती हैं, और जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो वो हड्डियों का नंबर कितना होता है? हड्डियों का नंबर होता है 305। ये 305 हड्डियाँ आपस में जुड़कर जब हम एडल्ट स्टेज तक आते हैं, आते आते वो पहुँच जाती है 206 हड्डियों पर। तो बेटा देखिएगा आप सब ध्यान से, बहुत यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं स्केलेटन की, स्केलेटन में आपने कहा कि एक्साइल और अपेंडिकुलर दो तरह में आपका डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं एक्साइल की बात करूं तो एक्साइल में 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर में 120 बोन्स हैं। हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक्साइल की बात करूं तो उसमें 80 बोन का डिवाइडेशन कैसा है? स्कल में 29 हड्डियाँ हैं आपकी पास। 29 हड्डियों को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो फेशियल की 14, क्रेनियम की 8, ईयर ओसिकल की 6, हायोइड की 1। टेंशन मत लीजिएगा, इन सब की अपने पास स्किल है, सब की अपने पास ट्रिक है, और इन ट्रिकों से ही हम पढ़ेंगे। एक बार बस मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वर्टिबल कॉलम में 26 हड्डियाँ हैं जब हम पैदा होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो ये हड्डियाँ 33 होती है। अभी हड्डियाँ कितनी हो गई हमारे में? 26। रिब्स में हमारे पास 24 हड्डियां हैं, और स्टर्नम या ब्रिसबोन ये अपने पास एक ही होती है। अगर मैं बात करूँ अपेंडिकुलर की तो अपेंडिकुलर में आप देखेंगे गर्डल्स, आर्म्स और लेग। गर्डल्स हमारी बॉडी में दो होती हैं बेटा, पैल्विक और पेक्टोरल। पैल्विक में टोटल 2 हड्डियाँ, पेक्टोरल में टोटल 4 हड्डियाँ। आर्म्स और लेग्स में 60-60, 60-60 हड्डियाँ होती है। टोटल मिलाकर हमारे पास में 206 हड्डियाँ होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये हमने लिख दिया 206 बोन्स। अब दोस्तों, जब ट्रिक की बात होती है तो आप कहते हैं सर इसमें क्या ट्रिक थी? तो ट्रिक ये है ये आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे, और वही फेशियल की बात करूंगा मैं आपके सामने। क्या आपसे बात हुई थी अभी हमारी कि फेशियल बोन्स होती है हमारे में, और वो फेशियल बोन्स का नंबर हमारे में रहता है 14, 14। तो इस 14 को याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है हमारे पास में कि एमपी ने ज़्यादा कोला मंगा ली, एमपी ने ज़्यादा कोला मंगा ली, और उस कोला को पीने से उसको क्या हो गया? वॉमिट हो गया, उल्टी हो गया उसको। तो अगर हम देखेंगे कि एमपी क्या है, तो आप देखेंगे बेटा एम से हमारे पास में बनता है मैक्सिला, पी से हमारे पास बनता है पैलेटाइन, एम पी ने एन ई से बनता है नेसल, ज़्यादा ज़्यादा से बनता है जाइगोमेटिक, को से बनता है हमारे पास में कॉनकी, ला ला से हमारे पास बनता है लैक्रिमल, मंगाई मंगाई से हमारे पास बनता है मैंडिबल, और वॉमिट से हमारे पास वर्ड बनता है वोमर। देखिए यहाँ पे नंबर्स भी मैंने दे रखे हैं, मैक्सिला का नंबर 2 है, पैलेंटाइन का नंबर 2, नेसल 2, जाइगोमेटिक 2, कॉनकेव 2, लैक्रिमल 2, और मैंडिबल और वोमर आपके पास में एक होती है। आप देखिएगा मैं ईयर ऑसिकल की बात करता हूँ आपसे, तो ईयर ऑसिकल की ट्रिक है हमारे पास में मिस बोन, मिस हड्डी, MIS, जैसे हम कहते हैं मिस वो मिस ये, तो बोन कान हमारा कहता है आई मिस यू अ लॉट, मैंने आपको बहुत मिस किया,
तो आप देखेंगे मिस में आपके पास में मेलियस दो, इनकस दो, स्टेपीज आपके पास में दो बोन्स होती हैं, ये मिला अगर आपके पास में 6 बोन्स हो गई, और फेशियल आपके पास में हो गई 14 बोन्स, तो अब तक हम 14 और 6, 20 जो है आपकी बोन्स की बात कर चुके हैं। अब आपके पास में आता है क्रेनियम, तो क्रेनियम आता है बेटा, तो क्रेनियम में होती है 8 हड्डियाँ। तो देखिए 20 और 8, 28, और एक ब्रैकेट में आप देख रहे हैं किनारे की साइड में हाइयोइड लिखा हुआ हमारे पास में, तो 20, 8, 28 और एक 29, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ था। स्कल के अंदर 29 बोन्स होती है। क्रेनियम में 8 हड्डियों की ट्रिक है पेस्ट ऑफ 8, PEST, पेस्ट, OF, ऑफ 8, 8 यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ उसको दिखा रहा है पेस्ट, और ऑफ यहाँ पे PEST, OF आपको दिखाई दे रहा है। पी में आप देखेंगे पेराइटल, पेराइटल में 2 बोन्स होती हैं, उसके बाद ई, ई से आया आपके पास इथेमोइड, इथेमोइड में 1 बोन, एस में आया स्फिनोइड, ये भी 1 बोन होती है। टी से आपके पास टेम्पोरल आया, टेम्पोरल में 2 बोन्स, ओ से आपके पास ऑसिपिटल आया उसमें 1 बोन, एफ से आपके पास फ्रंटल आया जिसमें भी 1 बोन होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 20 हड्डियों के बाद में 8 क्रेनियम की हड्डियाँ, 1 हाइओइड की हड्डी की बात की। टोटल आपको याद होगा हमने पहले पेज के अंदर आपसे बात की थी कि हमारे पास स्कल के अंदर 29 बोन्स होती हैं, जिसमें से फेशियल की हड्डी, क्रेनियम की हड्डी, ईयर ऑसिकल और हाइओइड, हम लोग 29 बोन्स पढ़ चुके हैं। फिर देखिए मैं आपसे बात करूँगा आगे, तो जब मैं आगे बात करूंगा एक बार मैं इसको हटाऊंगा, आप देखेंगे हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम आता है। वर्टिब्रल कॉलम की जब मैं बात करता हूं तो वर्टिब्रल कॉलम के 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उस छोटे छोटे फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे C7T12L5S1C1, ये हमारा एडल्ट फॉर्मूला है, जबकि जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं C7T12L5S5C4। आप देखें इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कॉल द लालू सर फॉर दी केमिस्ट्री, कॉल दी लालू सर फॉर केमिस्ट्री, लालू सर को केमिस्ट्री के लिए बुलाइए भाई, बच्चों की डिमांड हो गई है, लालू सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो लालू सर की बात कर लेते हैं। कॉल, कॉल से बना हमारे पास सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7 बोन्स है आपके पास में, द से बना आपका थोरेसिक, थोरेसिक के पास हमारे पास 12, लालू से बना ल्यूम्बर, ल्यूम्बर हमारे पास 5, और सर से बना सेक्रम, सेक्रम 1, फॉर इसके अंदर एग्जेक्टिव है, और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का सी से बना कॉकिक्स, और वो बनता है 1, आप देखेंगे C7T12L5S1C1। पर जब हम क्या है कि एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये S5 और C4 ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, S की 5 बोन्स और C की 4 बोन्स आपस में जुड़कर ये S1 और C1 का फॉर्मेशन करती है। यहाँ देखिए कंपेरेटिव चार्ट भी मैंने दे रखा है आपके सामने, जिसमें आप देखेंगे दिस इज़ द नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एडल्ट। यू कैन सी बेटा कि द सर्वाइकल विल बी 7 7, थोरेसिक विल नेम सेम इट विल बी 12 12, ल्यूम्बर विल बी सेम 5 5, बट हियर यू कैन सी द सेक्रम विल 5 एंड हियर इट कन्वर्ट इन टू 1 ओनली, हियर इट इज 4 बट इट कन्वर्ट इन टू 1, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हियर इज 33, यहाँ पे 33 है, और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर विल बी 26। अब देखिए आप रिब्स की बात करते हैं, रिब्स आपके पास में 12 पेयर्स या 24, 24 होती है, और इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है द फीमेल फर्स्ट। देखिएगा इस ट्रिक को वापस देखिएगा, द फीमेल फर्स्ट, आपने कहा बेटे ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, द से हमारे पास ट्रू बना, फॉल्स फीमेल से हमारे पास फॉल्स बना, और फर्स्ट बना हमारे पास में फ्लोटिंग। आप देखेंगे 12 पेयर्स में से 1 से लेकर 7 पेयर जो होती है बेटा वो ट्रू रिब्स होती है, मतलब 14। उसके बाद में आप देखेंगे 8 से लेकर 10 पेयर जो हमारे पास होता है बेटे वो होता है आपके पास में हमेशा से फॉल्स, ये होता है इसका नंबर 6, और फ्लोटिंग होता है 11th और 12th पेयर जो कि हमेशा होता है 4, तो टोटल नंबर विल बी 24। आप देखिएगा हमने पहले पेज इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर इसके बारे में बात की थी, इंट्रोडक्टरी पेज में वापस आपके लिए लेके आता हूँ। आप देखेंगे यू विल फाइंड स्कल 29 पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रल कॉलम 29 हम पढ़ चुके हैं, रिब्स अभी हमने 24 पढ़ी, और स्टर्नम हमने पढ़ा, टोटल हमने 80 बोन्स के बारे में अभी तक पूरी तरह से बात कर ली है। अब देखिए हम अपेंडिकुलर की 120 बोन्स के बारे में बात करेंगे आपसे। इसके लिए देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं गर्डल्स, गर्डल्स हमारे बॉडी में 2 होती है बेटे जी, एक होता है पेल्विक और एक होता है पेक्टोरल। पेल्विक में 2 बोन्स जबकि पेक्टोरल में 4 बोन्स, टोटल मिला के 6 बोन्स। आप देखेंगे पेल्विक के 3 पार्ट होते हैं, पेल्विक में याद रखिएगा खाली 2 ही बोन्स होती है आपके पास में, ठीक है, उन 2 बोन्स का नाम आपके पास में होता है
पैल्विक में आपके पास में दो बोन्स, आपके पास में दो हैं, तो एक्चुअली इसका एक आपका हिंड लिम्ब है, हिंड लिम्ब के एक साइड में, दूसरे साइड में, दो साइड में एक एक होती है, तो ये दो हो गई। इसके तीन पार्ट होते हैं, इस तीन पार्ट को आप कहते हैं इट इज़ पब्लिक। आप फिर से सुनिएगा, पैल्विक जो होती है आपकी, वो लेफ्ट फुट में और राइट फुट में एक एक होती है, तो टोटल नंबर उसका दो हो गया। इसको इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट को याद करने का तरीका है इट इज़ पब्लिक। इट से बना आपके पास इलियम, आई इज से बना आपके पास इशियम, और आपके पास पब्लिक से बना प्यूबिक। उसके बाद आप जब पेक्टोरल की बात करते हैं, पेक्टोरल में दो बोन्स होती हैं, तो दो बोन्स लेफ्ट फुट में, दो बोन्स राइट फुट, सॉरी दो बोन्स आपके लेफ्ट आर्म में और दो बोन्स आपकी राइट आर्म में होती है। देखिए इसका आपके पास में ट्रिक है कॉल सर, कॉल सर, कॉल से बना क्लेविकल, राइट और लेफ्ट करके दो, और दूसरा बना आपके पास में स्कैप्यूला, स्कैप्यूला का आपके पास रहेगा दो। देखिएगा मैं आगे बात करूंगा आपसे। अब देखिए हमारे पास में लिम्स जो हैं वही बसते हैं खाली। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स के 60 बोन्स हैं। देखिए हमने कहा पिक अप कप मग एंड राइज योर हैंड, पिक अप कप मग एंड राइज योर हैंड। पिक से हमारे पास में फेलेंसेज आता है जिसका नंबर 28, अप से हमारे पास में अल्ना आता है उसका नंबर 2 है, कप से हमारे पास कार्पल आता है जिसका नंबर है 16, मग से हमारे पास में मेटाकार्पल आता है जिसका नंबर है 10, राइज से हमारे पास में आता है रेडियस उसका नंबर है 2, हैंड से हमारे पास में ह्यूमरस आता है इसका नंबर भी 2 है हमारे पास। इस तरह से दोनों हाथों को मिलाकर हमारे पास में जो आपका बोन्स का टोटल रहता है वो 60 रहता है। इसके बाद आप हिंड लिम्स की बात करें, वो भी 60 है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो है मेरे नाम से, वो है पंकज, प्लीज़ मार्क ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पंकज प्लीज़ मार्क ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फेलेंजेस 28, पटेला 2, मेटाटार्सल 10, टार्सल 14, फीमर 2, टीबिया 2 एंड फिबुला 2। आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको इस ट्रिक के साथ पूरी आपके शरीर की 206 206 बोन्स के बारे में आपसे बात की। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको इसी प्रकार के और कुछ वीडियोस चाहिए, आपको लगता है कि ये ऐसे वीडियोस आपको हेल्प कर सकते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ट्रिक बायोलॉजी गुरु। अगला जो वीडियो है वो थोड़ा सा कुछ 4 5 6 दिन के बाद आएगा, कुछ लगता है 5 1 दिन लग जाएंगे। कुछ एजुकेशनल टूर पे जा रहा हूँ और वहाँ मेरे पास में लिमिटेड नेट एक्सेस रहेगा, तो उतना नहीं जल्दी दे पाऊँगा, बट निश्चित मानिएगा, जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बेटा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, आप उस क्वेश्चन को जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर और बता सकते हैं, निश्चित आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए काइंडली अगेन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ट्रिक बायोलॉजी गुरु चैनल बाय डॉक्टर पंकज कुमार जोशी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू वेरी मच।